देखिए देश में, देश के नए पार्लियामेंट में घुसपैठिए तो घुस आए, पर हमारी राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिला। 2024 में बैठे हैं, जिन्होंने महंगाई खत्म करने की बात की थी उन्होंने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर दिया है। गैंग वॉर चल रहा है बकायदा कैबिनेट में। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जब शुरुआत की थी उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था कि दिस इज माई फर्स्ट एड्रेस इन दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ आज़ादी का अमृतकाल। इट ऑल्सो रेजोनेट्स विद द रिजॉल्व टू रिस्पेक्ट आवर डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। खुशी की बात थी, पर दुख इस बात का था कि तीन मौके थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट जहाँ पे उनको शामिल किया जा सकता था पर उनको शामिल होने नहीं दिया। आप देखिए देश में, देश के नए पार्लियामेंट में घुसपैठिए तो घुस आए, पर हमारी राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिला। फिर मैं सर दूसरी बात, संविधान की उन्होंने बात की कि हम 75वां साल संविधान का मना रहे हैं, तो उससे मुझे याद आया संविधान की जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके से बनाया गया था उसको लेकर, क्योंकि संविधान के दायरे में आता है, शेड्यूल 10 के दायरे में आता है, इसलिए बस दो मिनट लूंगी वर्डिक्ट का ही सुनाऊंगी। द गवर्नर्स डिसीजन टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट ऑन 28 जून 2002 वॉज इलीगल। ये गवर्नर साहब का रोल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ द गवर्नर डेटेड 30 जून 2022 कॉलिंग मिस्टर एकनाथ शिंदे टू टेक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑट टू बी सेट असाइड। ये क्योंकि संविधान का 75वां साल है, हमारी राष्ट्रपति ने उसके बारे में बोला है, इसलिए मैं बस उस पर बताना चाह रही थी। पूरा स्पीच मैंने सुना भी, पढ़ा भी, तीन बार हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, पर कहीं भी दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो दो शब्द क्या थे? एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो शब्द था महंगाई। और मेरे कान में वो 2014 के जो स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बार बार कानों में गूंज रहा था। 2024 में बैठे हैं, जिन्होंने महंगाई खत्म करने की बात की थी उन्होंने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर दिया है। क्योंकि ये अभिभाषण जो था माननीय राष्ट्रपति का सरकार से ही आता है, सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और सरकार के जो भी मंत्रालय हैं वो अपने इनपुट्स बताते हैं, तो उससे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की किताब है, 51 कविताएं हैं उनकी, उससे मुझे उनके चार, जो पोइट्री के चार ही शब्द बोलूंगी जो उन्होंने लिखा है। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। तो जहां पे फकीरी हो देश के लिए, और देश के जो चार स्तंभ की बात कर रहे हैं जिसका वादा 2014 में भी किया था, नारी शक्ति की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है महाराष्ट्र सरकार में। मैंने सारे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स देख लिए सर, जो मैं शब्द यूज करने वाली हूँ वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। गैंग वॉर चल रहा है बकायदा कैबिनेट में, क्योंकि संविधान के तौर तरीके को दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पर चर्चा कर लूँ। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी ने बताया इनकम टैक्स रिटर्न्स किस तरीके से बढ़े हैं, 3.25 करोड़ से 2.25 करोड़ बढ़े हैं, अच्छी बात है, पर रिटर्न्स बढ़े हैं, टैक्स नहीं बढ़ा है, जो टैक्सेबल इनकम है वो नहीं बढ़ी है, और बल्कि यहाँ पे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ड्रॉप हुए हैं 2019 और 20 में। देश की पूरी आबादी में सिर्फ 6.23% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टैक्स पे करता है, सिर्फ 3,20,000 लोग 50 लाख के ग्रॉस इनकम की टैक्सेबल इनकम में आते हैं। ये देश की सच्चाई है, 10 साल की बात कर रहे हैं उसके बारे में ही बोल रही हूँ। फिर सर नारी शक्ति के बारे में जब बात हुई, दुख हुआ, पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ महिलाओं को उनके अधिकार देने का, रिजर्वेशन की बात हुई जो खैर इमीडिएटली लागू नहीं होने वाला है, 2029 का वादा महिलाओं को किया हुआ है कि 2029 में आप लाइन लगा लो, कतार में लग जाओ, पर दरवाजे तो हम 2029 में ही खोलेंगे। उसमें भी अगर हम राष्ट्रपति को सुनते तो हमारा दिल महिला होने के नाते, राजनीति में होने के नाते खुशी होता, पर हमें वो खुशी से भी वंचित किया गया। महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो यहाँ पे 200 मीटर दूर ही हमारी महिला जो ओलंपिक विनर्स हैं और हाल ही में उन्होंने एक पदक जीता है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो अपने
आपसे मांग कर रही थी कि आए प्रधानमंत्री जी, आपने जब हम जीते हैं आपने हमारा साथ दिया है, जब हम आपसे कुछ मांग कर रहे हैं उसमें भी हमारा साथ दीजिए। कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं की गई और अभी भी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है वही ऐसी बॉडीज पे खड़े हुए हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो दुखदाई है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, फौजिया जी ने बकायदा बताया किस तरीके से उसके आंकड़े बढ़े हैं, तो मैं ज़्यादा आंकड़ों पे नहीं जाऊंगी। फार्मर सुसाइड, किसानों की बात की गई, अन्नदाता के जितने केसेस सामने आते हैं सुसाइड को लेकर प्रतिदिन, और ये मेरा डेटा नहीं है, अगर कहेंगे स्पष्टीकरण भी दे दूंगी। सर बस एक लास्ट कंक्लूड ही कर रही हूँ, 30 किसान अपनी आत्महत्या करते हैं आए दिन, हर रोज 30 किसान करते हैं। आमदनी दुगनी करने की बात की थी, दुगनी तो दूर, वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं और खेती करते हैं। जो फार्मर डिस्ट्रेस हमने देखा, रूरल डिस्ट्रेस देखा, जहाँ आई थिंक राष्ट्रपति जी कह रही थी कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी महिला का बढ़ा है, वो रूरल डिस्ट्रेस के कारण बढ़ा है। और यही देश का दुर्भाग्य है कि आज 10 साल इनकी सरकार रही और वही चार नारे फिर से गूंजे जा रहे हैं, जिन चार नारों को पूरा करने का काम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।